होता है ना, वही बस होती है जो बहुत सारी चीजों को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। हमारी बॉडी में जो भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हमारी बॉडी में जो भी कुछ क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो कौन कौन करेगा? ब्लड ही करेगा। ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? तो हमने बोला पानी कौन कैरी करेगा? ब्लड। वेस्ट कौन कैरी करेगा? ब्लड। फूड कौन कैरी करेगा? ब्लड। गैसेस कौन कैरी करेगा? ब्लड। हार्मोन्स भी कौन कैरी करेगा? ब्लड। तो ब्लड क्या करता है, सारी चीजों को क्या करता है, कैरी करता है। इसके अलावा ब्लड क्या करता है, हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ब्लड क्या करता है, हमको इन्फेक्शन से फाइट करने में भी क्या करता है, हेल्प करता करता है। आई बात समझ में? तो ब्लड के कितने कॉम्पोनेंट्स होते हैं? तो हम लोगों ने बोला ब्लड के चार कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। और ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीन टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं, ये एक मैट्रिक्स में धसे हुए होते हैं जिसका नाम क्या होता है, प्लाज्मा। है। सो व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज द मैट्रिक्स इन विच ब्लड सेल्स आर एम्बेडेड। प्लाज्मा किन चीजों का बना होता है? तीन मेजर चीजों का बना होता है, वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन। किसका बना होता है? वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन। आ रही बात समझ में? अब जब हम लोग वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? रेड। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? रेड। क्यों रेड होते हैं? ड्यू टू हीमोग्लोबिन। और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करना। इसका मेजर फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करना। तो आरबीसी क्या कैरी करते हैं हमारी बॉडी में? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो रहता है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, रेस्पायर कर पाते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। ये किससे फाइट करते हैं? इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। यानी कि हमको जब कोई बीमारी हो जाती है, तो कितनी बार हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया है, फंगस है, ये जो भी कुछ आता है, ये क्या होता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। ये क्या करता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है मतलब खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी बिना किसी डॉक्टर और दवाई की हेल्प से, हमारी वाइट ब्लड सेल्स ही क्या करते हैं, उससे फाइट करके उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। फिर कौन आती है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब मुझे कोई खरोच आती है, कहीं कुछ लग जाता है, तो ब्लड फ्लो होने लगता है। तो बेसिकली प्लेटलेट्स क्या करती है, इस तरह की एक मैश क्रिएट करती है। मैश मतलब एक जाली क्रिएट करती है, जो ब्लड सेल्स को बॉडी से बाहर आने से रोकती है। जो तुम्हारी पपड़ी जम जाती है ना, वो बेसिकली किसकी वजह से जमती है? प्लेटलेट्स की वजह से जमती है। और उस चीज को हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसके लिए कैल्शियम आयन जरूरी रहते हैं और प्लेटलेट जरूरी होती है। तो ये तो किसकी कहानी हुई तुम्हारी? ब्लड की। बोलो कोई परेशानी? तो आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। ये किस चीज में हेल्प करता है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर होते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, कौन सा? एक होते हैं ग्रैन्यूलोसाइट्स और एक होते हैं एग्रैन्यूलाइट्स, ठीक है ना। जो ग्रैन्यूलाइट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? तीन टाइप के होते हैं, एक न्यूट्रोफिल, एक एसिनोफिल और एक बैसोफिल। और जो एग्रैन्यूलाइट्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? दो, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट, ठीक है ना। इन सबका काम क्या होता है? फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। और तीसरे क्या रहते हैं? प्लेटलेट्स। ये किस चीज में हेल्प करते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स का नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम होता है? थ्रोम्बोसाइट। बहुत क्लियर? अब पहले आ जाते हैं इसकी वर्किंग पे, फिर आगे करते हैं, रिकॉर्डिंग ठीक है। ब्लड वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तीन। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज जो है वो ब्लड कैरी करती है हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। वेन्स जो होती है वो ब्लड कैरी करती है कहाँ से? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। हार्ट आर्टरीज जनरली ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज जनरली ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। और वेन्स जो रहती है, क्योंकि बॉडी पार्ट से कहाँ जा रही है? हार्ट के पास। तो बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कलेक्ट करेगी और किसको जाके देगी? हार्ट को। और हार्ट इवेंचुअली इसको क्या देगा? लंग्स को। और लंग्स से क्या हो जाएगा? बॉडी के बाहर, ठीक है। अब अगर तू सोच रहा है डायरेक्ट नहीं देती, तो नहीं, सारा पंपिंग किसके थ्रू होगा? हार्ट के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी वेन इसका एक्सेप्शन होती है, जो क्या करती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्यों एक्चुअली पल्मोनरी वेन? क्योंकि वो लंग से आती है। तो लंग हमेशा हार्ट को कैसा ब्लड देगी? अच्छा।
हार्ट ब्लड को कैसा देगा? बिना ऑक्सीजन वाला। लेकिन लंग हार्ट को कौन सा देगी? ऑक्सीजन वाला। इसलिए जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज की वॉल कैसी होती है? थिक। आर्टरीज की वॉल क्यों होती है थिक? क्योंकि ब्लड जो रहता है वो वहां पर बहुत हाई प्रेशर से फ्लो होता है। वेन्स की जो वॉल रहती है, वेन्स की जो वॉल्स रहती है वो कैसी रहती है? थिन रहती है, क्योंकि ब्लड वहां पर कैसे फ्लो करता है? लो प्रेशर से। आर्टरीज के पास वॉल्स नहीं होते। वॉल्स बेसिकली क्या होते हैं? दरवाजे होते हैं कि एक बार ब्लड आगे चला गया तो पीछे वापस नहीं आएगा। अब क्योंकि आर्टरीज में ब्लड वैसे ही हाई प्रेशर से फ्लो होता है तो पीछे आने का कोई मुद्दा रहता ही नहीं है। लेकिन वेन्स में क्योंकि ब्लड जो रहता है वो लो प्रेशर से फ्लो होता है, इसलिए देर इज अ चांस कि वो क्या आ जाए? बैक फ्लो हो जाए। इसलिए ब्लड एक बार आगे चला गया तो वॉल्स क्या हो जाते हैं? बंद, ताकि ब्लड फिर से पीछे ना आए। आर्टरीज डीप सीटेड होती है, यानी कि हमारे मस्तिष्क के बहुत नीचे नीचे होती है, और वेन्स जो रहती है वो सुपरफिशियल होती है, तुमको ऊपर ऊपर से ही दिख जाती है। इज दैट क्लियर?